74वें संविधान दिवस के मौके पर दीक्षा भूमि चौक से संविधान चौक तक संविधान फाउंडेशन द्वारा पथ रैली का आयोजन किया गया था। इस समय बड़ी मात्रा में युवाओं ने इस रैली में शिरकत की। इस समय रैली में विभिन्न प्रदेशों की वेशभूषा एवं संस्कृति से सुसज्जित बच्चे, युवा और महिलाओं ने इस समय शिरकत की, जहाँ जय भीम और जय संविधान के नारों से समा गूंज उठा। वहीं कुछ बच्चों ने लेजिम की ताल से थिरकते हुए इस रैली की शोभा बढ़ाई। गौरतलब है कि संविधान रैली में सहभागी हुए लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को याद किया और संविधान बचाव का महत्वपूर्ण संदेश दिया, जहां श्वेत कपड़े पहने लोगों ने रैली को चार चांद लगा दिए। नमस्कार, एनबीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज है संविधान दिवस। 26 नवम्बर 1949 को जिस प्रकार से संविधान देश को प्रदान किया था, उसी श्रृंखला में आज उसी अवसर को मनाने के लिए भव्य रैली यहाँ निकाली गई है। नागपुर स्थित संविधान चौक पर, जहाँ की पूरा वातावरण भगवा हो चुका है, तिरंगामय वातावरण हो चुका है और सभी के हाथों में जो है फलक दिखाई दे रहे हैं। सभी प्रकार के संविधान बचाव का संदेश यहाँ इस रैली के द्वारा दिया जा रहा है। कहीं लेजिम खेली जा रही है तो कहीं नारे दे रहे जा रहे हैं। इस संविधान दिन के अवसर पर संविधान चौक पर भव्य मात्रा में जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ भव्य रैली निकाली गई है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी यहाँ उपस्थित है। भारत इस देश का काफी बड़ा ये जो है, यहाँ आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, पंजाब का जो यहाँ सभी देश का सभी वर्ण सभी जाति, साथ ही साथ 29 प्रदेश और 22 भाषाओं के एकता का संदेश दिया जा रहा है। जहाँ सभी प्रदेश है, महाराष्ट्र से लेकर बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी प्रदेशों की झांकियां यहाँ दिखाई गई है, जो कि कहीं ना कहीं इस देश के एकता का संदेश देता है। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से ये जो रैलियां निकाली जा रही है, बड़े जोरों शोरों से बोल सकते हैं, पूरे होश के साथ यहाँ नारे दिए जा रहे हैं और संविधान बचाओ का संदेश संविधान चौक पर नागपुर की पृष्ठभूमि पर दी जा रही है। सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं मनीष टेमरे, एनबीसी न्यूज के लिए नागपुर।